Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome back to YouTube channel My Passion Teaching. So, आज आपके लिए गुड न्यूज है जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने दी है. उन्होंने आपका कोरोना से चलते आप जानते हो कि आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं. ऑफलाइन आप मतलब आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, स्कूल नहीं ओपन हो पा रहे हैं, तो उन्होंने आपको कुछ रिलीफ दिया हुआ है. उन्होंने आपके कुछ चैप्टर जो हैं वो रिमूव किए हैं 9th, 10th, +1 और 2 क्लासेस में से. सो आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे. मेनली हम 10th क्लास का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सो जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स को डेली वीडियो डालती हूँ. सो जो उनको वो वीडियो देखनी है वो उनको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी, आप वो चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10th क्लास पे आते हैं इंग्लिश के ऊपर. तो इंग्लिश में से कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं वो आप देख सकते हो. द बाल पोइम पेज नंबर 46, द 100 ड्रेसेस 63 पेज नंबर पे है. इनके लेसन नंबर आपका कौन से 5, 6 लेसन है. जो आपकी पोइम है ट्रीज वो रिमूव हो चुकी है. आपका लेसन नंबर 8 भी रिमूव हुआ है और आपकी पोइम 140 पेज के ऊपर फॉर एनी जज व्यू है वो भी रिमूव की गई है. ठीक है, और जो सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से भी आपके 3 लेसन रिमूव किए हैं. लेसन 4, 8 एंड 10 पेज नंबर के साथ आप चेक कर लीजिए अपनी बुक में. आप बुक निकाल लीजिए और टिक लगा लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से आपके रिमूव हो चुके हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं हिंदी के ऊपर. तो हिंदी में से देखते हैं हिंदी में से आपका क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं. हिंदी में से आपके वर्णात्मक जो आपको फर्स्ट आता है अपठिम गड्यांश वो रिमूव हो चुका है. आपका व्याकरण में से जो आपका पेज नंबर 48 है, पेज नंबर 38 है वो रिमूव हो चुके हैं. आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. पाठ्यपुस्तकें जो आप मेनली क्षितिज भाग 2 पढ़ते हैं उसमें से आपके जो पेज नंबर 83 के ऊपर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक वो डिलीट हो चुकी है. एक कहानी यह भी पेज नंबर 91, संस्कृति पेज नंबर 126 एंड जो आपकी सवैया है, जो आपकी काव्यखंड में से क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं वो आप देख सकते हो कि क्या क्या आपका रिमूव हो चुका है. यहाँ से पेज नंबर 19, पेज नंबर 26, पेज नंबर 31, पेज नंबर 44 में से जो आपकी पॉइंट्स थी वो रिमूव हो चुकी हैं. कृतिका भाग 2 जो आपकी दूसरी बुक थी उसमें से भी आपकी कोई चीज़ें रिमूव हुई हैं, जैसे यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा, ये आपकी बुक जो आपकी चैप्टर है वो रिमूव हुआ है. मैं ये क्यों लिखता हूँ ये भी आपका रिमूव हो चुका है. अब मेरा थे मैथमेटिक्स के ऊपर जो आपको मैंने सिलेबस अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग में बताया था यूनिट्स से रिलेटेड 7 यूनिट्स थी, वही आपका सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हो. तो रियल अलजेब्रा इनकी लेसन 1 में से आपकी 1.3 रिमूव हो चुकी है. यहाँ पे 1.4 आपको इसलिए लिखा है जो आर्टिकल होते हैं हमारे, जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा बेस दिया होता है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तो उसका आर्टिकल का नंबर है ये. पॉलिनोमियल्स में से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 रिमूव हुई है. लेसन नंबर 3 में से आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 और 3.6 मेनली जहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा हुआ है वो चीज़ आपकी रिमूव हो चुकी है. लेसन 4 में से आपका 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वहाँ पे सीखा हुआ है और बाकी जो क्वेश्चन थे वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम किस मेथड से करेंगे, हमने 3 मेथड उसमें सीखे थे, तो वहाँ से हमारा 4.3 जो कंप्लीटिंग मेथड का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 वो रिमूव हुआ है. लेसन 5 में से आपका एक्सरसाइज नंबर 5.3 जिसमें हमने सीखा था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हम कैसे निकालते हैं एपी की, लेकिन जिन बच्चों के पास टाइम है और वो सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो अवेलेबल है वो देख सकते हैं. अभी हम 8.2 में पहुंचे हुए हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिए हम. 8.2 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो आप बता दें, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज नंबर 8.3 रिमूव हो चुकी है, तो अगर आपको वो पढ़नी है या नहीं पढ़नी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं. सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज जो अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो अभी आपको देख लो 9th जो चैप्टर है वहाँ पर आपका कोई भी डिलीट नहीं हुआ है. लेसन नंबर 7 में से आपके एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट किया था वो रिमूव हो चुका है. लेसन नंबर 6 में से भी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 एंड जो आपकी थ्योरम थी 6.6 वो रिमूव हुई है. लेसन 10 में से कोई भी रिमूव चीज़ नहीं हुई है. सर्कल जो चैप्टर है 11, जो 11 चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 ये भी चेक कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से, ये आपके रिमूव हो चुके हैं. नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन, वहाँ पे आपका जो लेसन नंबर 12 और 13 आते हैं तो वहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 12.3 एंड 13.4 रिमूव हो चुकी है. जो लेसन नंबर 14 है वहाँ पे आपकी कौन सी एक्सरसाइज नंबर 14.5 रिमूव हो चुकी है और जो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वहाँ पे आपका कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं, जो जो चीज़ें हैं और जो जो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और अपनी बुक में टिक लगा के रख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। सो, अब आते हैं हम साइंस के ऊपर। तो साइंस में से आप देख लीजिए सामने आपके पेज नंबर के साथ लिखा हुआ पूरा डिटेल में। सो, आप ऐसा मत करना कि आपने चैप्टर नंबर 3 लिखा, देखा और पूरा ही चैप्टर रिमूव कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। उसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है 3.1 आपका वो आर्टिकल होगा, और पेज नंबर 37 to 40 हुए, तो आपने ध्यान से चेक करना है। पेज नंबर के साथ टिक लगा लीजिए अपनी बुक में, कौन कौन से आपने पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आसानी रहेगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। नाउ आपकी देख लीजिए, यूनिट 6 चैप्टर है आपका, 6, 8, 7 चैप्टर है, 8 है, 9 है, जो भी आपके चैप्टर हैं आपको दिख रहे होंगे वो आप देख सकते हो। और कुछ एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं 10th क्लास में, वो भी आपके देख लीजिए आपने कौन कौन से रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल साइंस के ऊपर। तो सोशल साइंस में से हमारे डिलीट जो हुए हैं हिस्ट्री में से टॉपिक, वो आप देख लीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, मतलब 1, 2, 3, 1, 2 जो अभी आपके चैप्टर हैं, साथ में पेज नंबर आपको क्लियरली दिए हुए हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया तो पेज नंबर 8 to 12 निकाल लीजिए, वहां पर आप टिक लगा लीजिए कि हाँ हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सो, ज्योग्राफी में से भी आपके चैप्टर डिलीट हुए हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में से आपके चैप्टर डिलीट हुए हैं, इकोनॉमिक्स में से चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बुक में टिक लगा के रख लीजिए, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस का है नेक्स्ट। कंप्यूटर साइंस में से आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जिन स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस है वो देख लीजिए, जो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है आपका, ये आपके चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो यही आज की आपको मैंने बताना था। बाकी 10 जिनको 9th की वीडियो चाहिए, वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि हम 9th की वीडियो भी लेके आ जाएंगे, और बाकी 10+1 2 की मैं बता दूंगी आपको क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं। तो देखो, अब आपको बोर्ड जो है, HP बोर्ड जो है, उन्होंने आपके लिए थोड़ी रिलीफ किया है आपको, कि आपने ये वर्डन हो गया। अगर ज़्यादा आपने सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और हमें पढ़ने के लिए ज़्यादा है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आप टारगेट बना लीजिए, अगर आप 90% का, 95% का टारगेट बनाते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वहां तक नहीं, कम से कम आप 85 to 90 के बीच में तो आप पहुंच जाओगे। सो, आज आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मैंने इतना पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी आप 10th क्लास की वीडियोस मैथमेटिक्स के लिए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हो। सो, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी सिलेबस का पता लग जाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे और आप आगे पढ़ सकें। सो, कीप स्टडिंग, थैंक यू।